हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8.4। यदि आपने एक्सरसाइज 8.1, 2 एवं 3 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे भगा करके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में उपयोग होने वाला। तो पहला फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला निकलता कैसे है। अगर आपको ये स्टार जो बनाया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 स्टार को याद कर लेते हैं तो जितना भी फॉर्मूला नजर आ रहा है सब अभी आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो किसी भी उल्टा और सीधा को मल्टीप्लाई करते हैं तक 1 आएगा। तक ये उल्टा सीधा क्या हो गया, तो मान लीजिए x है और x को उलट देंगे तो यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको उलट दीजिएगा तो 1/x, तो x x कैंसिल तक क्या आ गया, 1 आ गया। यानी उल्टा वैल्यू और उस जो वैल्यू है उसका उल्टा वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 आता है। यानी साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1। या आप कह सकते हैं फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा 1 और कोसेक थीटा इंटू में तो क्या आ जाएगा, भाग में। यानी आप कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कोसेक थीटा निकालते हैं तो 1/ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यानी इससे कोसेक थीटा का फॉर्मूला आ गया 1/sin थीटा। यानी जहां पर कोसेक थीटा वहां अप्लाई कर सकते हैं 1/sin थीटा। अब देखते हैं अगला, यहां पर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है। टैन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टैन होता है। तो यहाँ पर टैन थीटा का वैल्यू आएगा 1 और कॉट थीटा इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी टैन थीटा का फॉर्मूला आ गया 1/cot थीटा। अब देखिए यहाँ पर इसी को कॉट थीटा का निकालते हैं तो 1/ क्या जाएगा, टेन थीटा। अब चलते हैं यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये दोनों भी क्या है, अपोजिट है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जब दो अपोजिट को, तो फिर क्या होगा, 1 आएगा। यानी यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1/sec थीटा, और सिक्स थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1/cos थीटा। तो चलिए अब अगला देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं, आप ध्यान से देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस में है यहाँ पर 1 लिखा गया, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस में। यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1-cos² θ। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से अगर इसको स्क्वायर हटा दिया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटाने पर क्या लगता है, रूट, यानी रूट अंडर 1-cos² θ। अगर देखिए यहाँ पर ये साइन का फॉर्मूला आ गया, अगर मान लीजिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस में साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में। यानी फॉर्मूला आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1-sin² θ। तो यहाँ पर से अगर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1-sin² θ। अब अगला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो आप ध्यान से देखिए, 1 है और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो प्लस में। यानी सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आ गया, 1+10² θ। यहाँ पर भी अगर आप स्क्वायर हटाएगा तो उधर क्या चल जाएगा, रूट, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जैसे इसमें साइन थीटा में किए थे। अब यहाँ पर देखिए, प्लस में 1 है इधर आ गया तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कहेगा कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी एक ही फॉर्मूला से देख रहे हैं कि तीन तीन फॉर्मूला आ रहा है, चार चार फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए अगला फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस में। यानी इसका फॉर्मूला आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1+cot² θ। अब प्लस में 1 इधर कर देंगे तो कह जाएगा माइनस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एक इधर फॉर्मूला लिखा हुआ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं। इसके चलते हैं एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करें, यानी व्यक्त करें। इसको आप किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, यानी कहने का क्वेश्चन में है कि साइन ए का वैल्यू कॉट ए के रूप में क्या होगा, सेक ए का वैल्यू कॉट ए के रूप में क्या होगा, और टेन ए का वैल्यू कॉट ए के रूप में क्या होगा। तो अभी जो फॉर्मूला बताए हैं वही फॉर्मूला का अप्लाई करके इसमें जो है चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले साइन ए को चेंज करते हैं, तो साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए
तो साइन ए का वैल्यू किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कॉट के रूप में बदल सकते हैं। तो उसको आप ध्यान से देखिए, साइन ए इक्वल टू, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी लिखे थे 1 बाई कॉसेक थीटा। अगर आप फॉर्मूला नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए फिर से। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, चूंकि एंगल में ए है तो यहाँ ए। तो कॉसेक के स्क्वायर एक्स का, देखो देखिए यहाँ पर ध्यान से अभी बताया है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक यहाँ पर क्या है कॉसेक, तो यहाँ लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताया है 1 प्लस क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है, तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, यानी कि फॉर्मूला जाएगा रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये पहला थीटा नहीं, एंगल में क्या है ए है, तो एंगल में क्या लिख देंगे ए, यानी आप देखेंगे कि किस प्रकार से साइन ए को किस रूप में बदल दिए, कॉट ए के रूप में बदल दिए। अब क्या करना है, सेक ए को भी बदलना है किसके रूप में, कॉट ए के रूप में। तो देखिए यहाँ पर चेंज करते हैं, सेक ए को कॉट ए के रूप में किस प्रकार बदलेंगे, तो सेक ए पहले बदलेगा टेन में, तो सेक स्क्वायर ए का, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी बताए हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्या बताया है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, रूट अंडर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ये आ गया टेन में, लेकिन हमको बदलना है किस रूप में, कॉट ए के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए, बताए हैं टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए है तो आप बदल दीजिए, तो यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर, टेन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉट थीटा, तो टेन स्क्वायर ए का क्या होगा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो आप चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एलसीएम क्या जाएगा, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1, तो यहाँ पर देखिए रूट में ही है तो इसको ऊपर में रूट में छोड़ दीजिए, तो कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे और प्लस में 1, और यहाँ पर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए है तो दूगो है तो एक पहाड़ होगा, तो क्या लिखा गया कॉट ए। यानी इस प्रकार से आप बदल सकते हैं सेक किसके रूप में, कॉट ए के रूप में। अब देखिए बदलना है टेन ए, तो टेन ए का डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है टेन ए इक्वल टू, टेन को बदलना है कॉट में, तो फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ पर टेन ए इक्वल टू क्या कर देंगे 1 बाई कॉट ए। तो इस तरह से देखे कि आप किस तरह से तीनों को बदल दिए, साइन ए को बदल दिए कॉट के रूप में, सेक ए को बदल दिए कॉट के रूप में, और टेन ए को बदल दिए कॉट के रूप में। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कोण ए एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। इसका मतलब इसको इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि एंगल ए का जितना भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको सेक ए के टर्म में व्यक्त करना, यानी जिस तरह से पहला क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ था कि साइन ए को टेन ए और क्या था सेक ए का कॉट के रूप में बदलना था, तो उसमें लिखा हुआ था, लेकिन इसमें जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको किस रूप में बदलना है, सेक ए के रूप में, यानी सेक को छोड़ करके कितने बच गया 5। यानी कहने का मतलब आपको पहले साइन ए को बदलना है सेक के रूप में, उसके बाद कॉस को बदलना है सेक के रूप में, कॉसेक को, टेन को, कॉट को। तो हम सबको अभी बारी बारी से बदल के बताते हैं। तो यहाँ पर साइन ए को बदलना है तो ध्यान से देखिए, साइन ए को किस रूप में बदल सकते हैं, तो फॉर्मूला भी बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए थे तो फॉर्मूला क्या लिखे थे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन कॉस में नहीं, किस रूप में बदलना है सेक के रूप में। तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 1 बाई सेक स्क्वायर ए, तो लिख देंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए, और ए के स्थान पर यहाँ ए लिख देंगे, एंगल में थीटा नहीं ए है। अब यहाँ पर 1 है तो सेक स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आप ले लीजिए सेक स्क्वायर ए एलसीएम, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए और -1। तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं या इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए और -1 और इसके बटा में सेक स्क्वायर है अंडर रूट में, तो बाहर होगा तो क्या आ जाएगा सेक ए आ जाएगा। यानी ये इस सवाल का क्या गया आंसर, यानी साइन ए को किस रूप में बदल दिए, सेक ए के रूप में बदल दिए। अब बदलना है कॉसेक को, तो कॉसेक ए को बदलना है तो ध्यान से देखिए, कॉसेक ए इक्वल टू
तो कौशिक को बदलना है तो साइन को बदल दिए, तो कौशिक को बदलना आसान है। कैसे आसान है ध्यान से देखिए, कौशिक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/sin θ। कौशिक थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1/sin θ। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कौशिक इक्वल टू 1/sin A। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखते हैं तो साइन ए का ही वैल्यू क्या निकला है √sec²a − 1 sec A। तो इसी का वैल्यू यहाँ पर निकला है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ले देंगे √sec²a − 1 क्या निकला है sec A। तो sec A नीचे में है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर में, यानी यहाँ लिख देंगे sec A √sec²a − 1। तो ये दूसरा आ गया, यानी cosec को बदल दिए किस रूप में, sec के रूप में बदल दिए। चलिए अब देखते हैं tan को बदल करके, तो यहाँ पर लिखना है tan को बदलना है sec के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे tan A इक्वल टू, देखिए ध्यान से एक फॉर्मूला ये भी होता है, ध्यान से आप देखिए यहाँ पर क्या होता है tan² θ इक्वल टू फॉर्मूला होता है sec²θ − क्या होता है 1। ध्यान से देखिए tan² θ इक्वल टू फॉर्मूला होता है sec²θ − 1। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या जाएगा √ लग जाएगा, यानी डायरेक्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा √sec²a − 1। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी tan A को चेंज करेंगे sec के रूप में तो √sec²a − 1 जो की फॉर्मूला होता है। इसके बाद बोलते हैं cot को, तो cot इक्वल टू तो cot किसका होता होता है tan का, तो यहाँ 1/10 लिखेंगे, यानी 1/10 और tan का वैल्यू क्या है √sec²a − में क्या गया 1। तो यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण भी कर सकते हैं, इतना आंसर आ गया 1/√sec²a − 1। अब एक और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 1, 2, 3 और 4 हो गया, 5 को करना था, एक और बचा हुआ है cos, तो cos A लिखेंगे और cos किसका उल्टा होता है sec का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे 1/sec A। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।